हमारे साथ प्रियंका गांधी वाड्रा है, कांग्रेस के महासचिव, आइए उनसे बात करते हैं। प्रियंका, वायनाड आप आई है, क्या आपको लगता है वायनाड में मुकाबला मुश्किल है, जीत कैसी रही? नहीं, आई थिंक द पीपल ऑफ वायनाड हैव गिवन मी सो मच लव एंड अफेक्शन एंड दिस इज ऑब्वियसली एन एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट फॉर माय ब्रदर, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड टू बी एबल टू बी हियर। बहुत इमोशनल स्पीच दिया आपने आज, बहुत इमोशनल स्पीच थी। यू सेड दैट यू वांट टू टेल अबाउट योर ब्रदर, वाज दैट इंपॉर्टेंट, दैट इमोटिव अपील? यस, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा हैज बीन स्प्रेड अबाउट हिम एंड पीपल डोंट नो who he really is and I thought it's important for the people of Wayanad to know who he really is. Amethi se seedha Wayanad aa rahi hai, kya Amethi ki jeet par badal chhaye hue hai isliye Wayanad, kyunki bar bar BJP yahi baat? Ab BJP ka kaam hai kehna, bilkul aisi koi baat nahi hai. Jis tarah se Priyanka ab lagatar kehti hai ki dhruvikaran ho raha hai, jo Pragya Thakur ne jis tarah ki bayanbazi ki, lagatar rashtravad ke mudde pe lada ja raha hai, kya राष्ट्रवाद के बारे में जो मैं सोचती हूँ वो मैंने अपने भाषणों में बोला है। प्रज्ञा ठाकुर ने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी हेमंत करकरे को लेके, देश के वो शहीद है, देश के लिए जान गंवाई, क्या ये सही? और भाजपा ने कहा कि ये उनका निजी बयान है जबकि वो उम्मीदवार है भाजपा। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जो देश का शहीद अपना खून इस देश के लिए बहाता है उसका आदर करना हर देशवासी का धर्म है, जो इन्होंने कहा बहुत गलत है। प्रियंका गांधी वाड्रा हमसे खास तौर से बातचीत में साफ करते हुए कि किस तरह से जो देश के शहीद है उस तरह से उनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। बनारस के चुनाव पे चुप्पी साधते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी चाहती है कि इस पर चर्चा जारी रहे, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जनता का हुजूम उभरा है, देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड, लॉट ऑफ चीयरिंग फॉर प्रियंका गांधी वाड्रा एंड दैट्स द टाइम दैट प्रियंका हैज जनरेटेड इन दीज इलेक्शंस। दैट वाज एन एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन सिर्फ आज तक से बातचीत में प्रियंका गांधी ने ये सब